बच्चे रख लो, कुछ खा लो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मुझ पर दया मत करो। रख लो छोटे बच्चे। मैं एक विश मांगना चाहती हूँ। एक विश? झूठ कहा, तुम एक वैम्पायर। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती थी। माँ, माँ, वो अब मेरी है। ड्रैकुला के आंसुओं से मिलकर बनी 13 रूबीज में स्पेशल पावर्स थी। क्लैन वॉर्स के दौरान कई सारी रूबीज खो गई थी, सिर्फ कुछ ही क्लैंस बच पाए थे। द ड्रैकस, द लाइकाना, द नॉस्फेरस, द पिराज, द वायराज और द वमालिया। बच्चों रुको, भागो मत। यहाँ वहाँ भागना बंद करो डेमो। अलीसा नीचे आओ। आ रही हूँ। हाँ, हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ थी तुम? क्लास के लिए लेट हो रहा है। मैं जानती हूँ, रिलैक्स। वक्त पर आई हो तुम अलीसा। हाँ। डेमो रुक जाओ जरा। क्या बात है। हाय। रुक जाओ। डेमो ये भेद बदल कर क्यों डरा रहे हो? क्यों? सभी लोग नीचे बैठो। आईवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। बच्चों, अलीसा, लार्स, प्लीज जरा बैठ जाओ। मालकम, आज तुम इन सबको सिखाओ। आज मुझे थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सभी लोग एंजॉय करो। विराट पावर की खासियत ये है कि ये ज्यादा लोगों से और ताकतवर हो जाता है, और ये तो एक अच्छी बात है क्योंकि मौसम को रोकना कितना मुश्किल होता है। मुझे देख लो, मैं अकेला सिर्फ एक ही बादल तैयार कर सकता हूँ। अगर हम एक साथ हो जाए तो जरा सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलो डेक पर चलते हैं, थोड़ा और बिजली और बादल मिलाएंगे तो देखते हैं क्या। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ, हाँ, चलो। हाँ, हाँ, हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ की नोटबुक क्रैक कर रही थी। मेरी प्यारी बेटी अलीसा, एक दिन तुम पर स्पार्क की जिम्मेदारी आएगी। जब सही समय आएगा तब तुम्हें मेरी नोट्स की जरूरत पड़ेगी। जो कोड मैंने यूज किया है वो काफी सीक्रेट है, ये तुम्हें खुद खोजना होगा। ये इम्पॉसिबल है, जरा मुझे दिखा। मैंने लगभग नोट की खोज कर ली थी। ड्रैकुला रूबीज को इकट्ठा कर रहा है। हर एक रूबी के साथ मैं उस पावर के साथ जुड़ जाती हूँ। उस नॉट को खोलने के लिए ड्रैकुला को उन सारी रूबीज की जरूरत होगी। मैं बाकी रूबीज के साथ वापस आऊंगा। मुझे उस केव तक पहुंचना होगा, लेकिन ड्रैकुला से पहले। हम करेंगे। तुम्हारी मॉम ने इसे इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया है? पता नहीं, उन्हें लगा मैं स्मार्ट हूँ। वैसे वो गलत हो सकती है। अलीसा, कैल्विना, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं कुछ लाऊं? हाँ।
यहाँ आओ अलीसा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। आओ मुझे गले लगो। अलीसा प्लीज, अलीसा। तुम चिंता मत करो, कल सुबह सूर्य की किरणों से इसे सजा मिल जाएगी। ये सही नहीं होगा, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है बड़ों ने फैसला कर लिया है। तुम्हें कैसे पता? वो सब ग्रैंड कैबिन में डिस्कस कर रहे हैं। क्या तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते? मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये हमारे लिए खतरा है। ये गुस्सा, उसकी अंदर की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। उसकी तरफ देखो, मेरा मतलब है कि ड्रैकुला का शैडो पूरी तरह से इस पर हावी हो चुका है। ये हम सबके लिए खतरा है। तुम इतने निष्ठुर कैसे बन गए? तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते? तुम दोनों शांत रहो प्लीज। इसमें लाज की क्या गलती है? वो मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। कौन, लार्स? वो भी। ओ, तुम्हारा मतलब नीकू? ये दिल का होना बड़ा मुश्किल है। वैसे ये तुम दोनों के लिए अच्छा है, एंजॉय करो। ये लड़की होने का सबसे बड़ा फायदा है। क्या मतलब? कोई इश्यूज होना तुम्हारे नहीं है क्या? हाँ, मेरे साथ हुआ है, तुम्हें याद है? तुम एयर नहीं हो। मैं एक शैडो हूँ। मैंने ये बात छुपाई है। मुझे पता है। चलो इसे क्रैक करके नॉट को ढूंढते हैं, ताकि तुम सबको बचा सको। एटलीस्ट ये काम तो उन दोनों को चुनने से बेहतर है। मुझे माफ कर दो नीको। वो तो अब तुम में से एक हो गई है, उनका ठीक से ख्याल रखना। नीको, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था, आपके साथ होना चाहिए था। मैं आपको बचा सकता था। जानवर बना दिया। नहीं, वो जानवर नहीं है। तुम्हारी वजह से वो चली गई। वो कहीं नहीं गई है, मैं उसे वापस ला सकता हूँ। क्या? लेकिन उससे क्या फायदा? वो तुम्हारी माँ है। वो मेरी माँ कैसे हो सकती है, उसे तो कुछ याद नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ को फिर से इंसान में बदल दूंगा, सारी मेमोरीज रिस्टोर कर दूंगा, अगर तुम मेरी मदद करो तो। मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हमारे अंदर एक चीज ऐसी होती है जो हमें पागल बना देती है। एलिजाबेथ, मैं तुम्हें नर्क से छुड़वा कर रहूंगा मेरी जान। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस लड़की को नॉट खोलने नहीं दूंगा। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें अंदर से खोखला बना रही है? वो एक चीज जो तुम्हें अकेलेपन से रूबरू कराता है। मुझे पता है धोखा खाने पर कैसे फील होता है। जैसे तुम्हें धोखा दिया एलिसा ने, उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी वजह से मैंने तुम्हारी माँ का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ। सोचो इस बारे में। मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ। मुझे पता है तुम देख रही हो एलिसा, और मैं मेरे रूबीज तुमसे लेकर ही रहूंगा। क्या हुआ?
इन्हें क्या हुआ है? शायद तुम भी फिर से ह्यूमन बन सकती हो। क्या? मुझे उन सबको रोकना होगा। अलिसा, ये तुम क्या बोल रही हो? यही कानून है। नहीं मैग्नस, कैल्विना ने अभी तक कुछ नहीं किया है, उसने हमें चोट नहीं पहुंचाई है। लेकिन वो ये चाहती थी, देखो उसके पास क्या क्या था। मेरी बात सुनो, जो क्राइम किसी ने किया ही नहीं है, हम उसके लिए उसे सजा नहीं दे सकते। तुम वमा लिया सब एक जैसे हो, तुम्हारा ही दिल तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। सबकी राय लेते, कौन चाहता है कि प्रॉब्लम बनने के पहले ही उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। शैडो का कुछ कर सकते हैं? एलिसा, मैनस, बताओ मुझे। ये एल्डर्स लोगों की मीटिंग है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। जाओ जाके नीचे इंतजार करो। नहीं, बताओ मुझे, शैडोज का कुछ हो सकता है? हाँ, एक मास्टर अपनी शैडो को रिलीज कर सकता है। एक रिचुअल की मदद से वो वापस अपने इंसानी रूप में आ सकते हैं। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उन सबको छोड़ क्यों नहीं देते? हमारे यहाँ परछाई होना सदियों से एक परंपरा चलती आ रही है। किस काम के लिए? आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सफाई करने के लिए, ताकि आप खुद नहीं कर सकते? ओह, ये गलत है। वो याददाश्त खो बैठे हैं, उनकी आजादी छीनकर आप लोगों ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। ये तो हेंड्रिक की इच्छा है कि वो हमारे साथ रहता है, असली मामला तो कुछ और ही है। हम हेंड्रिक को डिसशैडो नहीं कर सकते, वो तुरंत मर जाएगा। वो 100 साल से ज्यादा पुराना है और इंसान इतना नहीं जी सकते, इससे इसकी जान भी जा सकती है। पर कैल्विना तो जिंदा रहेगी और आईवी भी। ओह, आईवी? क्या कहा, लेगाना की आईवी? क्या वो शैडो है? आईवी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो अब हम में से एक नहीं है। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब उनको बताना नहीं था। मैंने इसे पूरा कर लिया है, वैसे भी ये तुम्हारे लिए बना है, ना कि मेरे जैसों के लिए। मुझसे गलती हो गई आईवी, आई एम सॉरी। तो आईवी, अब ये बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम शैडोज हैं और हमें मिलकर रहना चाहिए। हाय, मुझे पता है तुमने वो जानबूझकर नहीं किया। मुझे यकीन है कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालोगी। तुम्हें मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं डैमो, मैं ठीक हूं, अपने दोस्तों के पास जाओ। सच में? ठीक है। हे गाइस। अरे कैसे हो तुम? आईवी, इन क्लैन के बहुत अच्छे लीडर बनोगे, तुम्हारे नसों में आखिर मेरा ही तो खून बह रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी उस प्रिजनर के बारे में। लार्स, सुनो, उस लड़की से दूर रहो, वो एलिसा की बात कर रहा हूं, वो तुम्हें खतरे में डाल सकती है। ये आपको पता है कि उसने हमारी जान बचाई थी इटली में, ड्रैकुला और रेडमास। हाँ, ये बात तो मुझे भी मालूम है, लेकिन उसके इरादे अलग है, वो यहाँ की सब चीजें बदलना चाहती है। लार्स, मैं चाहता हूं कि तुम उससे ना मिलो, वो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगी, समझ रहे हो ना? हम्म,
तुम्हें पता है हमें सुबह तक यहाँ रहना है। क्यों? ओह, अंकल मैग्नस ने तुम्हें नहीं बताया उसके बारे में? रेड मास्क लीडर कैल्विना। कैल्विना का क्या? ओह, तुमने नहीं सुना? उसे तो एल्डर्स ने बताया है, वो कल सूरज के पास जा रही है। वो जल जाएगी, वो जलकर राख हो जाएगी। सुनो ड्रामे बाज अलीसा, अलीसा मुझे माफ कर दो, मैंने अपने पिताजी से कैल्विना और आईवी के बारे में बात करने की कोशिश की। नहीं लार्स, ये झूठ है, मैं जानती हूँ। पता है मैं भी तुम्हारी ट्रिक अप कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। एटलीस्ट अब तो तुम्हारे पापा के खिलाफ बोलना सीखो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि अलीसा उनमें से एक थी। मुझे पता है, पता है। खुद को दोष मत दो, ठीक है? आई लव यू। मुझे माफ करो, मैंने तुम पर हमला किया, मैंने, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे पता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बताओ तुम कैसी हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ड्रैकुला कमजोर होते जा रहा है, उसकी शक्तियां भी कमजोर हो रही है, ये अच्छी बात है। मुझे यहाँ क्यों रखा है? उन सबको ऐसा लगता है तुम हमारे लिए खतरा हो, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वैसे नहीं हूँ, मैं सच में वैसी नहीं हूँ। वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं? क्या कुछ बुरा है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यहां से आजाद कर रही हूँ, नाव का सहारा ले सकती हूँ। क्या तुम्हें चक्कू चलाना आता है? मुझे ऐसे ही लगता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। मुझे थैंक यू मत बोलो, चलो। मेरा कॉइन मुझे वापस दे दो। जैसे तुम चाहो। कौन से विश मांगी? मुझे अपने मां को वापस लाने के लिए क्या करना होगा? चलो जल्दी करो, वो देखो यह है तुम्हारी नाव।
सारे रूबीज मेरे मास्टर के हैं। ड्रैकुला तो मेरे से बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, उसे दूर हो जाओ। तुम्हारे पास है। तुम मेरे लिए ये बहुत आसान कर रही हो मेरी प्यारी बच्ची। मुझे बाहर निकालो। क्या हुआ है इन्हें? ये एरो से निकला सिल्वर है, ये इसके खून में है और ये इसे जहरीला बना देगा। मैं यही हूँ डैड, मैं यही हूँ। अंदर जाओ इसमें। लार्स, अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। क्लैन के नए लीडर आईवी, अलीसा कहाँ है? मुझे नहीं पता। लायक नहीं हूं मां, मैं कोई खास बच्ची नहीं हूं मां, मैं नहीं बन सकती। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको शर्मिंदा किया, मैंने सबको शर्मिंदा किया है।